बंदे पुरुषोत्तम श्री ठाकुर जी के एक भक्त हुए श्री ऋषि प्रसाद घोष, वो लिखते हैं, एक कहानी के माध्यम से अपनी प्रस्तुति देते हैं कि गरीब घर का एक लड़का जीविका के लिए वह एक बड़ा दुकान में नौकरी करता है। फरमाइश के मुताबिक सामान लाना, ग्राहक को दिखाकर पैक कर झोला में भरकर ग्राहक को दे देना, यही है उसका काम। लड़का का व्यवहार है बहुत मधुर, इससे लोग खुशी होते हैं और दुकान मालिक को तो इससे लाभ ही लाभ था। एक दिन खूब वर्षा हो रही थी, एक वयस्क भद्र महिला दुकान में आई। यह इस दुकानदार की एक परिचित ग्राहक थी। अवस्थापन्ना महिला को कोई आत्मीय स्वजन नहीं था। महीना में दो एक बार स्वयं ही गाड़ी भाड़ा कर बाजार के लिए निकलना पड़ता। इस दुकान की वस्तु के लिए यहाँ भी उनका आना होता। उक्त महिला दो झोला भरती सामान खरीदी, दुकान से निकलकर विपरीत दिशा में फुटपाथ की ओर चली। उस समय शुरू हुई मूसलाधार वर्षा। महिला जड़ सड़ होकर किसी प्रकार फुटपाथ के एक छज्जा पर जाकर रुकी। जैसी वर्षा है और जैसा प्रबल झोंक है कि सामान के साथ वह स्वयं भी भीग जाएगी। गाड़ी दूर में खड़ी है, दोनों हाथ में झोला है, इसलिए ड्राइवर को फोन करने का भी उपाय नहीं है। वह लड़का दुकान से सारा मामला देख रहा है। महिला की अवस्था का अनुमान कर मालिक को बोलकर और छाता लेकर तेजी से रास्ता पार हो उस असहाय महिला के पास पहुंच गया। छाता महिला को देकर और उनका दोनों झोला अपने हाथ में लेकर वह उक्त महिला को गाड़ी तक पहुंचा आया। अधभिंगा होकर दुकान आने पर मालिक ने उसे अपना गमछा देकर हाथ देह पोछने के लिए कहा। लड़का की सेवा परायणता देखकर दुकान के अन्य कर्मचारी गण भी मोहित हो गए। उसके बाद से जब वह महिला दुकान आती, लड़के को अपनी स्नेह ममता दुलार से भर देती, दो क्षण सुख दुख की बात करती। दुकान मालिक और कर्मचारी गण भी खूब उपभोग करते इस दृश्य को, आनंद से प्रश्रय देते। इस प्रकार से उस लड़का और महिला के बीच मातृभाव प्रगाढ़ होता रहा और अंत हुआ विश्वास और निर्भरता का एक चूड़ांत दृष्टांत के रूप में। जब उक्त महिला ने उस गरीब को अपने घर में स्थान दिया, उनके ही आश्रय और स्नेह ममता से परवर्ती काल में वह लड़का एक सफल और प्रतिष्ठित व्यवसायी हो उठा। आरंभ हुआ था पारिपार्श्विक के संबंध में सचेतनता और निस्वार्थ दर्दी सेवा से। उस निस्वार्थ अवदान के कारण एक मनुष्य दूसरे का स्वार्थ केंद्र हो जाता है। किसी प्रतिदान का आशा नहीं रख वह लड़का जिस प्रकार कूद पड़ा उस महिला की सहायता के लिए, वह शुभ शक्ति ही हाथ बढ़ाकर उसे टान लिया ऊर्ध्व की ओर, उन्नति की ओर। उस लड़का का धनवान हो जाना इस प्रबंध का आशय नहीं है। अति साधारण एक मनुष्य के चरित्र का या महान गुण का जो प्रकाश देखा गया, सात्वत सार्थकता वही व्यक्त हुआ। लड़कों का प्रयास मात्र था जीवन के प्रति, अस्तित्व के प्रति, चेतन कर्तव्य निष्ठा के प्रति। सेतु बंधन काल में गिलहरी जिस प्रकार प्रभु राम के कार्य में बिना किसी प्रत्याशा के कूद पड़ी थी, फलाफल की चिंता नहीं कर प्रभु की प्रशंसा की आशा नहीं रख, उस प्रकार हमारा कर्म ही हमें यश का अधिकारी बना देता है। श्री श्री आचार्य देव कहते हैं, हमारा ज्ञान गुण कुछ भी ईश्वर को स्पर्श नहीं करता है, स्पर्श करता है हमारा कर्म। गॉड केयर लिटिल वॉट वन सीज बट ही सीज वॉट वन डज एंड हाउ वन बिहेव्स, मैग्ना डिक्टा। और हमारी निस्वार्थ सेवा और प्रेम जब उनको नंदित करता है, तभी उस गिलहरी की तरह हमारा संपूर्ण जीवन सार्थक हो उठता है, जीवन को संपूर्ण कर देता है। आलोचना माह मई 2023 के संपादकीय का अनुवाद, अनुवादक देवाकांत झा, सातवती मार्च 2024 के पेज संख्या 43 और 44 से। जय गुरु।